वेलकम टू अवर चैनल मॉनिटर ऑन ड्यूटी। उम्मीद है कि आप तमाम नाजरीन बखैर होंगे। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, चूंकि वो खुद इंसान यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने इस चैनल को ईजाद किया, और सबसे खास बात यह है कि मैंने उनको एज अ गेस्ट आज इनवाइट किया है। वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि गर्ल्स जॉब के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। वेलकम मिस्टर, थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये गर्ल्स जॉब। तो मिस्टर एहसान, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट गर्ल्स जॉब प्रोसेस। माय ब्रदर हैज आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन रिलेटेड टू गर्ल्स जॉब। तो मतलब गर्ल्स जॉब का क्या प्रोसेस है, आप गर्ल्स कैसे जाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो आज इसी मौजू पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। yes. तो प्लीज आप आखिरी तक देखो, और मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए काफी ये फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से लाइन में, किस फील्ड में बाहर जाना चाहते हो। जैसे मान के चलो कि मेरा जो एक्सपीरियंस है होटल लाइन का है, मैंने होटल लाइन में 12 साल काम किया, अब मैं होटल लाइन में जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से सब लोग का अपना अपना अलग मतलब फील्ड रहता है, अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो आपको उसी लाइन में जाना है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपको कुछ टिप बताऊंगा जो काफ़ी आपको काम आने वाला है। दोस्तों, अगर आप गल्फ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, इंग्लिश नहीं आती हो, आप गल्फ जाओगे लेकिन छोटी मोटी कंपनी में जाओगे वो लोग परेशान करेंगे, सैलरी भी कम रहता है, मज़ा नहीं आएगा काम करने के। इंग्लिश आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप इंग्लिश सीखें, आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे आप इंटरव्यू फेस करते हैं, वो सब इंग्लिश में ही होने वाला है। इंटरव्यू इंग्लिश में ही होने वाला है, हिंदी में या आपके किसी अलग लैंग्वेज में कभी इंटरव्यू होता नहीं। सबसे पहले आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, आप वेल ग्रूम होने चाहिए, अच्छे कपड़े आप पहने हुए होने चाहिए, कैजुअल या जो भी मतलब कपड़े आपके पास, टाई के साथ आप जाओ वहाँ पे, और मतलब जाओ वार्म वेलकम को वेलकम के साथ अंदर जाओ। आप आपको बुलाएंगे तो पहला क्वेश्चन उनका ये रहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। दोस्तों, आपको 4 से 5 लाइन में इसको बोल के ख़त्म करना है। जैसे माय नेम इज़ मोहम्मद एहसानुल्ला, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, माय फादर नेम इज़ मोहम्मद जिक्रुल्ला, एंड माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ आई हैव डन बीकॉम फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। फिर आपको उसके बाद अपने एक्सपीरियंस पे आ जाना है। सर, छोटा सा क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग, जैसे आप बताएं कि कुछ थोड़ा मोड़ा हल्का याद करके मतलब चले जाने के लिए, बहुत से लोग अच्छे अंदाज में भी याद करते हैं लेकिन वहाँ जाके डर जाते हैं, तो ये डर कैसे ना? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, डर जो होता है ना, आप जब रट्टा मारते हो ना किसी चीज़ को, तो आप रट्टा मारोगे तो आपको याद रहेगा। आपको इंग्लिश, जैसे मान के चलो आपको इंग्लिश नहीं आती, आप रट्टा मार के गए, और वो क्या करता है उसको उस दूसरे अंदाज में पूछ लेता, आप फंस जाते हो। जैसे आपको इतना पता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपको इसका जवाब याद है, आपने याद करके आपने बोल दिया, और यहाँ पे क्या होता है आपको दूसरे अंदाज में पूछ सकता है कि जस्ट ब्रीफ योरसेल्फ इन शॉर्ट। आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, तो आपको इंग्लिश आती नहीं, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज होगे, आप फंस जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश समझना है, आप समझो, उसके बाद रट्टा मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइंड में हर चीज़ को आपको अटैच करना, रखना है यहाँ पे, अपने दिमाग से बोलना है, रट्टा मार के कुछ नहीं बोलना। दोस्तों, आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए इंग्लिश आएगी तो ही आप इंटरव्यू फेस कर पाओगे। और इंटरव्यू में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो वहाँ का प्रोसेस होता है वीज़ा प्रोसेस, जैसे कुवैत के लिए आपको कम से कम 5 महीना वेट करना पड़ेगा वीज़ा के लिए, क्योंकि उसका वहाँ का जो कुवैत का जो वीज़ा है वो जल्दी इशू होता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके लिए कंपनी को काफ़ी हाई अमाउंट पे करना पड़ता है, ऐसे गवर्नमेंट कुवैत की गवर्नमेंट उसको देना पड़ता है। उसके बाद जो आपका वीज़ा इशू हो जाता है, उसके बाद आप वहाँ जाते हो, तो आप अगर पहली बार जाते हो तो आपको कुछ पता नहीं रहता है। गल्फ में जैसे कुवैत कंट्री, वहाँ पे अरबिक लैंग्वेज चलता है। ठीक है, अगर आपको अरबी नहीं आती तो आपको इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है, आपको अरबी नहीं आएगी तो आप इंग्लिश में सबसे कम्युनिकेट कर सकते हो, इसके लिए आपको इंग्लिश लाजिम में सीखना है। आप जाते हो कंपनी में जॉब करते हो, फिर वहाँ पे आपको अपने एक मतलब दूसरे माहौल में आपको ढालना पड़ता है। जैसे वहाँ का माहौल एकदम अलग है, मतलब जैसे एक रूम में छोटी कंपनी अगर रहेगी, एक रूम में 10 लोग को डाल देगी, बड़ी कंपनी जाओगे तो एक रूम में 3 आदमी 2 आदमी, इस तरह से मतलब एकोमोडेशन वगैरह वहाँ पे रहता है। एक मिनट, मैं बीच में ये मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप बता रहे हो वहाँ के रहन सहन के बारे में, तो इसकी बहुत सारी शिकायतें आई है, हमारे बहुत से दोस्त बहुत से अहबाब में से ऐसे हैं जो वहाँ गए और वो मतलब यहाँ आने के लिए बेचैन है कि मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, एक ज़रा काम जिस काम के लिए आया था उस काम में मुझे नहीं डाला गया, तो रहन सहन क्या हकीकतन वहाँ सही नहीं है सब लोगों के लिए? देखिए, आप जो बोल रहे कि जैसे आप जाते हैं वहाँ पे आपको काम नहीं आता, आप दूसरे काम में डाल देता है और मतलब एक मतलब अलग कल्चर में आपको डाल देता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको उसके लिए अच्छी कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी आपको बोलता है कि मतलब कोई भी कंपनी जो आपको पहले बोलता है फ़ोन करके, जैसे इंडिया में कंसल्टेंसी है, भाई मेरे को 1 लाख दो आपका मैं जॉब करवा देता हूँ, आप आग मन करके बिना इंटरव्यू को जाते हो और
पैसा देके और चले जाते हैं, वो क्या करता है वहाँ पे आपको बकरी चलाने में, ड्राइवर में, हाउस ड्राइवर में, छोटे मोटे काम में डाल देता है, और आप वहाँ जाते तो 2 साल के लिए फंस जाते हो। ये पॉइंट नंबर पहला हो गया। इसलिए कभी भी जब इंटरव्यू आप देते हो, कभी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो गल्फ में, सब आप दोस्तों जहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू होता है हमेशा वहीं पे जाके इंटरव्यू देना। कभी भी बिलीव मत करना कि फोन पे इंटरव्यू होगा मेरा सिलेक्शन हो गया। वॉकिंग इंटरव्यू आप देखोगे वहाँ पे बहुत लोग कलीग लोग बहुत सारे मतलब कैंडिडेट रहते हैं, वहाँ पे क्लाइंट आता है तो वो समझो फेक नहीं, वो ओरिजिनल है। वहाँ पे कोई धांधली नहीं चलता वो लोग, क्योंकि ऐसा बहुत धांधली इंडिया में एक रैकेट चल रहा है, तो पैसा वो लोग कमा रहे हैं, बेचारे लोग को गलत काम में जाके फंसा देते हैं। ठीक है, तो और एक सबसे अहम क्वेश्चन आपसे ये मैं करना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत से लोग मतलब अभी तो कोई जा नहीं पाएंगे चूंकि लॉकडाउन का भी जमाना चल रहा है, तो जैसे 4-5 या 1 साल के बाद जैसे लॉकडाउन हट जाएगा, तो आप सबसे अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे जो गल्फ कंट्री जाने के ख्वाहिशमंद है, गल्फ जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि ये 4-5 महीना 1 साल में वो किस चीज़ पर मेहनत करें? दोस्तों अभी जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन में हम लोग सब फंसे हुए हैं, हम लोग पास कुछ काम धंधा है नहीं, तो आप क्या करें ऐसे में, आप मतलब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करें, और अपने आप को आप मैच्योर बनाएं, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं, ताकि जब भी आपको सामने से मतलब बुलावा आए इंटरव्यू के लिए आप जाएं और बेधड़क कॉन्फिडेंसली जाके आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। आप आजकल वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, वहाँ से फायदा उठा सकते हैं, किताब देखें वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। तो अपना टाइम बर्बाद ना करें और कुछ ना कुछ करते रहें, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखें। और ये भी सुनने को आया है कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो मतलब वो कह रही है कि भाई ऑनलाइन आप ये इंटरव्यू दे सकते हो, तो ऑनलाइन देना कैसा है और ये सक्सेस होता है? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जो आपको फोन करके सामने से बोलता है ऑनलाइन इंटरव्यू दो, उसको आप सीधा बोलो कि भाई पहले मेरा इंटरव्यू करवा, वो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, आप 2002 आपका रजिस्ट्रेशन करूंगा, मैं आपको 2 दिन के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू करवा दूंगा मोबाइल पे या जो भी मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए स्काइप पे। कभी बिलीव मत करना, जो भी कंसल्टेंसी वाला पहले इंटरव्यू लेता है बिना पैसे का, आप वहाँ बिलीव करो और ज्यादा फोकस करो कि आपको वॉकिंग इंटरव्यू जाके ही देना है। फोन वगैरह पे जो भी होता है वो भी एक तरह का बहुत बड़ा रैकेट होता है, फंसाया जाता है और पैसा लूटा जाता है, इस पर बिलीव बिल्कुल मत करना दोस्तों। ये तो ठीक है, जैसे कि हम लोग अखबार भी पढ़ते हैं, पेपर पोस्ट पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुत से कंपनी का मतलब वो रहता है, एड्रेस रहता है कि आप यहाँ आइए दीजिए, तो मेरे ख्याल से ये सही होगा। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, आप अखबार जैसे एब्रॉड असाइनमेंट टाइम है एक मतलब काफ़ी फेमस है, आप वहाँ पे जो एड्रेस रहता है कंपनी का जो मतलब एड्रेस रहता है कंसल्टेंसी वगैरह, आप वहाँ पे जाके पहले पता करो वहाँ पे कितने, वहाँ पे बहुत सारे अगर कैंडिडेट अगर है वहाँ पे, ठीक है तो समझ जाओ भाई हाँ भाई वाकई में यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। अगर वहाँ पे ऑफिस अगर छोटा रहेगा, मतलब जैसे होता है कि एक रूम का आधा रूम मतलब छोटा मोटा ऑफिस रहता है और वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, तो बिलीव मत करना। ऑफिस जब थोड़ा बड़ा हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि भाई ये वाकई में ओरिजिनल है, सही है, ये लोग फेक लोग नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग 1 महीने के लिए भाड़े पे रूम ले लिए मुंबई के अंदर में, वो क्या करते हैं इंटरव्यू के लिए सबको बुलाए थे, झूठ मूठ कर रजिस्ट्रेशन का पैसा लेते, बाद में क्या करते हैं बुढ़िया भी सामान के चले जाते हैं, तो वो फेक है। आप इंटरनेट पर पता करो, उसके वेबसाइट पर जाओ कंपनी के कि ओरिजिनल है कि फेक, उसके बाद ही आप जाओ वॉकिंग इंटरव्यू के लिए अपना टाइम बचाने के लिए। अच्छा एक और लास्ट और अखीर बात ये है, मतलब लास्ट क्वेश्चन आप समझ ये लीजिए कि जैसे कि हम में से बहुत से ऐसे इंसान हैं जो गल्फ कंट्री के गल्फ जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, और वो उन्होंने 3 से लेकर 4 बार तक उन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन उसमें वो नाकाम रहे, तो उन लोगों के लिए आपकी कोई ख़ास मैसेज है तो दे? देखिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सभी लोग को और मेरे सभी व्यूअर को कि आप जब नाकामयाब होते हो तो आप बिल्कुल हार मत मानो, कभी भी डिमोटिवेट मत हो, घर पे आओ और प्रैक्टिस करो कि मैं इंटरव्यू के लिए गया था मुझसे उसने क्या सवाल कर दिया और मैं जवाब नहीं दे पाया। आपको अपने वीक पॉइंट पे तैयारी करना है, और दोस्तों आपको इसके लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, आप जितना हो सके इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, बोलते रहे, सीखते रहे, क्योंकि जितना भी इंटरव्यू होता है 100% बाहर का और इवन इंडिया के अंदर भी वो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है आपका, कोई आपका डिग्री चेक नहीं करता। मैं 10 साल बाहर रहा हूँ, आज तक किसी भी कंपनी ने ये नहीं बोला कि भाई आपने सर्टिफिकेट दिखाओ ग्रेजुएशन का या आपने 10वीं कहाँ से किया है। आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए मतलब आपका काम हो गया, कंपनी को आपसे काम से मतलब है, आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से उसको कोई लेना देना नहीं। आप डिग्री दिखा दोगे काम आपको करना आता नहीं तो क्या करेगा वो, दूसरे कोई भी छोटे मोटे काम में लगा देगा, बाद में झक मार के आपको इंडिया आने पे आपको मजबूर होना पड़ेगा। अली काफी अच्छा लगा आपसे ये सवाल जवाब करते हुए।